I think England have missed a trick by sending all their players home. You know, I think Will Jacks, Phil Salt, Josh Butler, in particular, playing in the IPL in the eliminations, pressure, crowd, expectation. I would argue that playing here is better preparation than playing a T20 game against Pakistan. Pakistan cricket team ko yehi kahunga ki ho gaya, karali bejati hai. Wo Michael Vaughan jo bhai pehle hamari tareefe kiya karta tha, sara kuch hai. अब वो कहता है कि मैच प्रैक्टिस के लिए एक इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट छोड़कर एक लीग क्रिकेट का मैच खेल लो। माइकल वॉन की एक स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरी, मुझे अभी तक वो हॉन्ट करी। उन्होंने कहा इससे बेहतर इंग्लैंड के जो लोग वापस आए हैं, जो प्लेयर्स उनके आईपीएल से, वो आईपीएल खेलते रहते, पाकिस्तान खेलने से अच्छा था कि उनको ज्यादा अच्छा तजर्बा वहां पे मिलता। पाकिस्तान की अगर मैं बैटिंग की बात करूं, माशाल्लाह बहुत ही बुरी कारकर्दगी हमारी। शर्म का मुकाम है हमारे लिए कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, और वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए गया हुआ है, और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि भाई ये थर्ड क्लास टीम है, और इसके साथ खेलने के लिए आपने आईपीएल किस लिए मिस किया। 23 रन से शिकस्त दे दी, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं होता हूँ, पता नहीं आप होते हैं कि नहीं होते हैं। 10 दिनों की दूरी पर है वर्ल्ड कप, मगर पाकिस्तान टीम आज भी उन्हीं मसाइल्स से दो चार। पाकिस्तान इसी तरह जलील और रुसवा होगा बाकी खेलों की तरह, इसी तरह हम शर्मिंदा होते रहेंगे, माइकल वॉन और बाकी लोग इसी तरह हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो सही है। माइकल वॉन ने बोला पाकिस्तान तो इस टाइम सबसे ज्यादा बेकार टीम है T20 की। शर्म कर लो यार थोड़ी सी, पाकिस्तान का मैं कहता हूँ हर बंदा मजाक बना रहा है यार। भाई साहब, माइकल वॉन ने पाकिस्तान की बुरी तरह से बेइज्जती करके रख दी, धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान टीम की। जहां इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के सेकंड T20 मैच में ऐसी परफॉर्मेंस देख के माइकल वॉन ने बोल दिया कि पाकिस्तान से खेलने से बढ़िया इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल में T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर लेते। जैसे ये बयान आया माइकल वॉन की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गया, बुरा भला कहने लग गए माइकल वॉन को। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि माइकल वॉन को आईपीएल में कमेंट्री के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। पर इन पाकिस्तानी को ये नहीं पता कि वो एक रियल फैक्ट में बात कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख लो कि किस तरह की है। कभी आयरलैंड से हारता है, कभी डी टीम सी टीम से हारता है, और ये सेकंड T20 पे भी देख सकते हो कि किस तरह से हारा है। इसलिए माइकल वॉन ने बोला है क्योंकि उसे पता है आईपीएल में जिस तरह का प्रेशर होता है, जिस तरह का माहौल होता है, भाई क्राउड का पूरा प्रेशर होता है खिलाड़ियों के ऊपर, और दुनिया भर के इंटरनेशनल गेंदबाज होते हैं उनके सामने खेलते बल्लेबाज। इसलिए माइकल वॉन ने ये बयान दिया है कि इससे अच्छा आईपीएल खेल लेते इंग्लैंड के प्लेयर। पाकिस्तान अपनी गिरबान में कभी नहीं झांक के देखता कि भाई उनकी टीम किस तरह की है। डी टीम सी टीम से खेल खेल के अपने प्लेयरों को तुम वर्ल्ड चैंपियन बता दो, और बातें कर तो बड़ी बड़ी, और परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ भी नहीं। वर्ल्ड कप में पता ही चल गया था 2023 के जब ये इंडिया में आए थे क्या हालत बुरी कर दी थी सभी टीम ने इनकी, यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने इनको बुरी तरह से हराया था। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। माइकल वॉन ने पाकिस्तानी टीम को ट्रोल कर दिया, और इतनी बुरी तरह से माइकल वॉन ने ट्रोल किया है ना कि यकीन माने एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है कि यार ये टीम हम जो वर्ल्ड कप में भेज रहे हैं, इस टीम से हम वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें लगा रहे हैं, यकीन माने शर्म का मुकाम है। माइकल वॉन ने अपनी इंग्लैंड की टीम को मुखातब करते हुए यह बोला है कि भाई साहब आप कौन सी टीम के लिए आईपीएल छोड़ के आए थे, क्या आप इस थर्ड क्लास टीम के साथ खेलने के लिए आईपीएल छोड़ के आए थे? हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल के प्लेऑफ्स खेलने चाहिए थे, और इस टीम के लिए वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आईपीएल में उनकी तैयारी इससे ज्यादा अच्छी हो जाती, वहां पर क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी बैटिंग मौजूद है, वहां पर आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी इससे 100 गुना ज्यादा अच्छी हो जाती। आपने ट्रिक मिस कर दी है आईपीएल को छोड़ के पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। यार शर्म का मुकाम है हमारे लिए कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, और वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए गया हुआ है, और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि भाई ये थर्ड क्लास टीम है, और इसके साथ खेलने के लिए आपने आईपीएल किस लिए मिस किया। लेकिन अब इंग्लैंड से भी हार गए, और वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों पर हमारा क्या इंप्रेशन पड़ रहा है? इंप्रेशन ये पड़ रहा है कि यूएसए की टीम हमें धमकी दे रही है कि भाई कौन है पाकिस्तान, आने दो हम उसे भी देख लेंगे। बांग्लादेश को मार लिया, पाकिस्तान को भी मारेंगे। कनाडा वाले अलग जा छुरियां तेज करके बैठे हुए हैं, और इंडिया वाले मैच को उसको तो साइड पे रख लें। माइकल वॉन ने क्या गलत बोला? ठीक बोला उसने, आईपीएल खेल रहे होते तो शायद तैयारी इससे अच्छी हो जाती, यहां पर तो कंपटीशन ही नहीं मिल रहा है भाई। यहां पर जाओ इतने जाओ रन से आप मैच हार गए, आपके बैटर्स T20 को जाओ टेस्ट बना के खेल रहे हैं, इतनी हाइप बनाई जाती है जी हमारा जो किंग जा रहा है भाई, बाबर आजम ईगल जा रहा है, ब्रैडमैन जो है वो रिजवान है भाई साहब, तेज तरीन जो है वो 3000 रन उसने पूरे किए हुए हैं, हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, इतनी हाइप बनाई जाती है, और जब मैच आता है भाई ठुस हो जाते हैं ये सारे के सारे, और फिर जो है वो कोई भी एरा गहरा उठ के जो हमें ट्रोल करके चला जाता है। ये तो माइकल वॉन जो उनका साबिक कप्तान है, और भी बहुत सारे ट्रोल कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, इतनी वीडियोस चली हुई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सोचे कि इंग्लैंड की टीम से हारने के बाद आपको इतना ट्रोल किया जा रहा है, तो खुदा ना करे आप वर्ल्ड कप में यूएसए
कनाडा या आयरलैंड से हार गए तो आपका क्या हशर होगा, और एक आध मैच तो आप हारेंगे ही हारेंगे। इन तीनों टीमों में से एक आध टीम आपको हराने वाली है, ये आप लिख के रख लें। और अगर कोई टीम आपको हरा लेगी तो आपकी कितनी ज्यादा ट्रोलिंग होगी वो आप सोच लें। बेशर्मी की इंतहा हो गई है कि मैच हारने के बाद बाबर आजम को आता जाता कुछ नहीं है, बस वही बातें, डेफिनेटली डेफिनेटली बॉयज प्लेड वेल, हम एग्जीक्यूट करेंगे अगले मैच में। माइकल वॉन ये कहता है कि अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे होते, प्लेऑफ्स खेल रहे होते, फाइनल खेल रहे होते, तो वो ज्यादा बेहतर मैच प्रैक्टिस उनकी हो जाती एज कंपेयर टू प्लेइंग अ टी20 इंटरनेशनल अगेंस्ट पाकिस्तान। ये वही माइकल वॉन है कि जिसने कुछ दिनों पहले, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, कुछ दिनों पहले इसने कहा था कि भाई इंग्लैंड की टीम को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 लीग नहीं। इसी ये माइकल वॉन ने कहा था, इसने हाँ इसने अपनी बात से यू टर्न लिया है, इसने मतलब यूं कहो कि भाई यू टर्न नहीं लिया, यू टर्न के पिताश्री लिए हैं, मतलब डैडी लिया है इसने, इतना बड़ा इसने यू टर्न लिया है। यार इसने तो बेसिकली वो वाला काम किया कि आप सड़क किनारे खड़े हैं, एक बाइक वाला आ रहा है, आप उसको हाथ देते हैं और बाइक वाला आपको इशारा कर देता है कि नहीं मैंने लेफ्ट नहीं जाना, मैंने तो राइट जाना है, और आप बाइक वाले को देख रहे हैं कि वो आपके मुंह के आगे से गुजर कर आगे से जाके लेफ्ट ही ले लेता है। या बस वाला आपके सामने बस स्टॉप के ऊपर बस नहीं रोकता कि नहीं नहीं सीट नहीं है सीट नहीं, और आप जब झांकी मारते हैं तो अंदर सीटें खाली होती हैं, गुस्सा चढ़ता है ना। तो ये बस उसी टाइप का कुछ माइकल वॉन ने किया है कि उसने अपना मोटरसाइकिल लेफ्ट साइड पे मोड़ दिया, हालांकि इशारा उसने पहले राइट साइड का किया हुआ था। उसका बेसिकली अब मुद्दा क्या है, माइकल वॉन ये कहता है कि दो तीन प्लेयर्स उसने नाम लिए हैं, बटलर, विल जैक्स और सॉल्ट, कहता है इन तीन को तो कम अज कम प्लेऑफ्स और आगे के सारे जितने भी मैचेस हैं ना आईपीएल के वो खेलने चाहिए थे। रीज़न सुन लो, वो कहता है यार प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्राउड का प्रेशर होता है, फैंस का प्रेशर होता है, ओनर्स का प्रेशर होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, कमिटमेंट आपकी जो है वो जिसे कहते हैं चूल्हे पर पड़ी होती है। तो एक ओवरऑल जो अगर सिनेरियो देखा जाए तो वो माइकल वॉन अब ये कहता है कि भाई वो ज़्यादा जिसे कहते हैं एक प्लेयर को ना पकाने का काम कर सकती है एज कम्पेयर टू एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेलना पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्रिकेट सर्किट में हमारी इज्जत कोई नहीं करता, हम वो टीम है जो रिसेंटली अफगानिस्तान से हारे हैं, जो वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे हैं, जिसको आयरलैंड ने हराया है, जिसको न्यूजीलैंड की बच्चा टीम ने हराया और बोल के हराया। हमारी इज्जत कोई नहीं करता, हमें सीरियस कोई नहीं लेता। लेकिन जो आज हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जो बेइज्जती की गई है पाकिस्तान क्रिकेट की, यकीन करो ऐसा पाकिस्तानी मुझे रोना आ रहा है। मेरा दिल कर रहा मैं अपने आप को चपेड़े मारूं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं। मेरा दिल कर रहा मैं अपने आप के मुंह के ऊपर ये डंडा मारूं पकड़ के, मैं पाकिस्तानी हूं यार, मुझे शर्म आ रही है यार, शर्म आ रही है मुझे। साथ माइकल वॉन ने जो आज पाकिस्तान क्रिकेट की बेइज्जती की है ना, माइकल वॉन ने बोला पाकिस्तान तो इस टाइम सबसे ज्यादा बेकार टीम है टी20 की। माइकल वॉन ने बोला अगर पाकिस्तान टी20 की टीम है ही नहीं, इनको चाहिए कि ये टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, खेले ही ना, क्योंकि इनमें एक भी प्लेयर टी20 के अकॉर्डिंग नहीं खेलता। और इंग्लैंड के प्लेयर्स को चाहिए था कि ये अपना टाइम जाया कर रहे हैं। बटलर को चाहिए था कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलता, विल जैक को चाहिए था कि आरसीबी की तरफ से खेलता, ना कि पाकिस्तान ये घंटे के साथ आके खेल के अपनी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन उन्होंने खराब कर देनी है। वहां ज्यादा बेहतर तैयारी हो जानी थी। ये तो एक्सपोज्ड हुई टीम है और ये तो आयरलैंड से हारी हुई है यार। और माइकल वॉन ने पकड़ के आपको पता क्या बोल दिया कि साइड पे हो जाओ यार, आप फिर भी वर्ल्ड कप जीती हुई टीम हो, टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, बाबर की कप्तानी में हम 7वें 8वें नंबर पे, टी20 में हमारे से ऊपर अफगानिस्तान श्रीलंका है, आप अंदाजा लगा लो यार। पता पाकिस्तान 3-0 हुआ था जब 70-80 पे ऑल आउट हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में 2023 के एंड पे दिसंबर में, तो रिकी पोंटिंग ने पता क्या बोला था पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में ना बुलाया करो, ये टाइम जाया करने आते हैं। मतलब यार ना हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया खेलता है उनको पता है यार कोई कंपटीशन ही नहीं है, ना इंग्लैंड खेलता है, इंडिया तो हमारे साथ खेलते हैं, उनको पता है यार इनको आराम से पेल देंगे, उधर यूएसए में धमकियां लगा रहा है, हमें आयरलैंड ने पकड़ के मार दिया यार।